सो हाय गाइस, दिस इज सुनील मालविया और आप देख रहे हैं जेनरॉन टेक। और आज जो टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा वो है IDS, दैट इज कॉल्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या होता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको समझा दूँ। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस पर इन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर काम करती है सो ऑब्वियस बात है कि उनके ऑर्गेनाइजेशंस पर हैकिंग अटैक्स भी बहुत होते होंगे। सो इन हैकिंग अटैक्स को रोकने के लिए हम इन सिस्टम का जो यूजिबिलिटी है, इनका जो यूज़ है, वो हम उठाने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली ये सिस्टम बनता कैसे है? जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, ये सारे लोग मिलकर इन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं या बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट इन सिस्टम्स पर लगती है ऐसी सिस्टम्स बनाने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगेगा जो आपके हैकिंग एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता रहेगा रेगुलर इंटरवल्स पर। साथ में कुछ हार्डवेयर भी लगेंगे, बिकॉज एक सॉफ्टवेयर इंडिविजुअली काम कभी नहीं करता, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहती ही है। सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगेगा और सम ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस लगेंगे। तो वो मैं सारे डिवाइसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। सो इन सारी चीज़ों को मिलाकर, ये सारे जो इंजीनियर्स होते हैं, ये सारे मिलकर इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर ये सारी चीज़ें बनाते हैं एक्चुअली। तो सिंपल है, बड़े लेवल पर हैकिंग अटैक्स को रोकने के लिए या छोटे मोटे हैकिंग अटैक्स को रोकने के लिए या कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी या कोई पॉलिसी वायलेशन अगर आपका हो रहा है आपके सिस्टम पर, तो ये जो सिस्टम है, दैट इज़ IDS सिस्टम, ये इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बना हुआ है। ओके, अब इनमें देर इज टाइप्स ऑल्सो, इनमें दो प्रकार होते हैं। देर इज़ टू टाइप, द फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड दी नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम और सेकेंड जो होता है वो होता है होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। अब ये दो टाइप है इसमें, क्योंकि जो सिस्टम आप बनाते हो वो इन दोनों के लिए बना सकते हो या इंडिविजुअली आप जा सकते हो। आई मीन टू से कि जो सिस्टम बनता है वो इधर आप नेटवर्क के लिए बना दीजिए या इधर आप सिस्टम्स के लिए बना दीजिए, यानी कि आपके कंप्यूटर्स के लिए बना दीजिए। दो तरीके हैं, या फिर आप दोनों के लिए बना दीजिए तो उसको हम हाइब्रिड कह देंगे, यानी कि आपने नेटवर्क्स को भी ले लिया और आपने अपने कंप्यूटर्स को भी ले लिया, तो इनको मिलाकर वी हैव मेड अ हाइब्रिड सिस्टम। अब थोड़ा और रोशनी डालेंगे इन सब चीज़ों पर। सबसे पहले मैं टॉपिक पिक करूंगा, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये एक्चुअली कैसे काम करता है ये सिस्टम नेटवर्क्स पर? ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क होता है ये मल्टीपल होस्ट को बनाकर बनता है। होस्ट रेफर्स टू योर एनी डिवाइस जो आपका नेटवर्क पर कनेक्टेड है। इट कैन बी कॉल्ड एज अ कंप्यूटर या आपके जो भी डिवाइसेस हैं, जो आप राउटर, स्विच, जो भी आप लगाते हैं अपने नेटवर्क्स पर, उनको हम होस्ट कहते हैं। तो नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन क्या करता है, ये सिस्टम आपके नेटवर्क्स पर ट्रैवल होने वाले पैकेट्स को चेक करता रहता है रेगुलरली। पैकेट्स इज कॉल्ड अ डेटा जो ट्रैवल होता है विद इन योर नेटवर्क्स, यानी कि जो भी वायर है उनके थ्रू जो डेटा ट्रैवल होता है उनको हम पैकेट्स कहते हैं इन द टेक्निकल टर्म ऑफ द नेटवर्किंग। तो जब ये पैकेट्स ट्रैवल होता है तो कंप्यूटर जो ये सिस्टम है ये क्या करता है, इस पैकेट्स को स्निफ करेगा, चेक करेगा, स्कैन करेगा और आगे भेजेगा अगर ये क्लियर है तो। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर इनमें आती है, यानी कि जैसे कोई हैकिंग कोड किसी को मिल गया, सिस्टम को मिल गया उसके ट्रैवलिंग के वक्त, तो ये जो डेटा होता है ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुँचाया जाता है कि कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है आपके सिस्टम पर, आपके नेटवर्क्स पर, तो उन्हें दिया जाता है ताकि वो इन पर कोई अपना टेक ले सके बेहतर तरीके से। अभी जो ट्रैवलिंग होता है ऑफ योर पैकेट्स, ये होता है फ्रॉम वन TCP/IP टू द नेक्स्ट TCP/IP। TCP/IP का मतलब होता है आपके कंप्यूटर का एड्रेस, दी आईपी एड्रेस, जो आपने देखा होगा एज लाइक एग्जाम्पल लाइक 192.168.0.1। सो ये आपका आईपी एड्रेस है, इनको हम TCP/IP भी कहते हैं। सो फ्रॉम वन TCP/IP टू नेक्स्ट TCP/IP तक जब ट्रैवलिंग होता है एक पैकेट, तो ये सिस्टम इनके बीच चेक करते रहता है ट्रैवलिंग के वक्त, ये चेक करता है, स्कैन करता है रेगुलरली कि कोई प्रॉब्लम इनमें है कि नहीं है, जो पैकेट्स हो वो क्लीन और क्लियर हो, इनमें कोई हैकिंग कोड ना हो। ओके, सो दैट वाज नेटवर्क। और इनमें जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ये काम करता है आपके कंप्यूटर्स पर, आपके होस्ट कंप्यूटर्स पर।
मतलब पहला जो सिस्टम है वो आपके नेटवर्क को चेक करता रहेगा रेगुलरली, और जो दूसरा है वो आपके इंडिविजुअल कंप्यूटर को ही चेक करता रहेगा। सो होस्ट बेस्ड जो सिस्टम है ये क्या करता है, जब कोई यूज़र कंप्यूटर पर बैठता है या कोई डिवाइस अगर हैंडल करता है, तो उन डिवाइसेस पर या उन कंप्यूटर्स पर भी अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी पाई जाती है तो ये सिस्टम उन्हें चेक करता है, यानी कि इंडिविजुअल आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो डिवाइस है, उन पर भी चेक करता रहता है। क्योंकि यूज़र के पास स्क्रीन होती है, यूज़र के पास एक डिवाइस होता है जिस पर वो रेगुलरली काम करते रहता है, तो ये सिस्टम उनको मॉनिटर करता रहेगा रेगुलरली कि कोई प्रॉब्लम उनके बीच आ रही है क्या, तो ये डिटेक्ट करता रहेगा उन एरर्स एंड प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करता रहेगा बैकग्राउंड पर। यूज़र अपना काम आसानी से कर सकता है अपने कंप्यूटर्स पर, दैट इज़ दी होस्ट कंप्यूटर्स, और बाकी सब जो चेकिंग है वो ऑटोमेटिकली होती रहती है। सो बहुत आसान है, मैंने समझा दिया कि नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन जो होता है वो आपके नेटवर्क्स पर चेक करता है, यानी कि आपके जो वायर्स के जो पैकेट्स ट्रैवलिंग का जो काम है वो उन पर ये काम करता रहता है, और होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन जो है ये आपके होस्ट डिवाइसेस पर काम करता रहता है। होस्ट रेफर्स टू एनी डिवाइसेस जो कनेक्टेड है आपके नेटवर्क्स पर, चाहे वो कंप्यूटर हो जाए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो जाए, चाहे वो आपका कोई नेटवर्क डिवाइस हो जाए, चाहे वो राउटर हो जाए या स्विच हो जाए, एनीथिंग। सो वेरी इजी, समझ में आ गया होगा आप अच्छी तरह से।